नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रश्मि। बीपीएससी पेपर लीक मामले में अब एक नया खुलासा निकल के सामने आया है, जहां आए दिन इस मामले में नए खुलासे होते जा रहे हैं। जहां पहले एक आईएएस अधिकारी का नाम निकल के सामने आया, वहीं अब उन तीन लोगों की तलाश में जुटी है पुलिस जिन्होंने वायरल किया था ये प्रश्न पत्र। उन तीन लोगों के खिलाफ FIR पहले से ही दर्ज है और अब तीन लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है, ताकि पुलिस और भी सुराग जुटा सके कि आखिर उनके पास ये वायरल प्रश्न पत्र जो है वो आया कहाँ से और उन्होंने वायरल क्यों किया था। बीपीएससी की 67वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम व्हाट्सएप की कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। पूछताछ में जांच टीम को तीन युवकों के बारे में जानकारी मिली है, जिन्होंने अफसरों तक वायरल प्रश्न पत्र भेजने वाले लोगों को यह फॉरवर्ड किया था। तीनों पटना के ही रहने वाले हैं, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है। कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। बीपीएससी के कर्मी व अफसरों से भी लगातार पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि जांच टीम ने तीनों संदिग्ध युवकों की तलाश जो है वो पटना में आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। देर रात तक उनकी तलाश में विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी जारी थी। जांच टीम को शक है कि यह युवक प्रश्न पत्र लीक करने वाले संगठित गिरोह से जुड़े हैं। देखना यह है कि EOU की जांच इस पूरे प्रकरण में असली सूत्रधार तक पहुंच पाती है या व्हाट्सएप पर इसे साझा करने वाले तक ही बात खत्म हो जाएगी। बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच में एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर अंतिम समय में लीक प्रश्न पत्र वायरल कराकर बीपीएससी की अधिकारियों तक पहुंचाया, ताकि परीक्षा रद्द कराई जा सके। इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि लीक प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही कुछ खास लोगों तक पहुंचाया गया था। यह खास लोग इसकी सौदेबाजी कर चुके थे, छात्रों से मोटी राशि वसूली जा चुकी थी। इसी बीच ऐसे ही दूसरे संगठित गिरोह का इनकी भनक लग गई, उन तक प्रश्न पत्र पहुंचा मगर तब तक देर हो चुकी थी। ऐसे में उन्होंने लीक प्रश्न पत्र को वायरल कर दिया। EOU की टीम इस एंगल से भी जांच को आगे बढ़ा रही है, जहां आर्थिक अपराध इकाई अब दोनों एंगलों से जांच कर रही है कि आखिर जानबूझकर प्रश्न पत्र लीक कराया गया था ताकि बीपीएससी की 67वीं परीक्षा जो है वो कैंसिल हो जाए, या फिर इस वजह से ये परीक्षा जो है वो रद्द हुआ क्योंकि कुछ लोगों के पास देर से प्रश्न पत्र पहुंचा और ऐसे में उन्होंने गुस्से में इसे वायरल कर दिया। और इन दोनों एंगलों से तलाश जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही उन तीनों युवकों की तलाशी के लिए पुलिस पूरे पटना में छापेमारी कर रही है। देर रात तक सभी थानों के पुलिस ने मिलकर उन तीनों युवकों की तलाशी की है। फिलहाल अभी इन तीनों युवकों का पता नहीं चल पाया है जिन्होंने प्रश्न पत्र वायरल किया था और अधिकारियों के पास भेजा था। ऐसे में अभी देखना होगा कि इन तीनों युवकों की गिरफ्तारी कब तक होती है, और अगर गिरफ्तारी हो गई तो क्या नए खुलासे इस मामले में निकल कर आते हैं, किस संगठित गिरोह से ये जुड़े हुए हैं या फिर इसमें और कौन बड़े अधिकारी संलिप्त हैं। आगे ऐसी खबर के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।